पीएम ने 16वें इंटरनेशनल एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया, कहा भारत अगले 25 सालों में ऊर्जा क्षेत्र में अहम किरदार अदा करेगा। कल पीएम मोदी का एक दिन का उपवास, विपक्ष के हंगामे से संसद का वक्त खराब होने के खिलाफ कार्यक्रम। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के बेटे ने जी न्यूज से कहा पिता के कामकाज के आधार पर वोट मांगूंगा। वरुणा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं यतेंद्र, कहा चुनाव नया है, बहुत कुछ सीख रहा हूं। चेन्नई में पीएमके के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कावेरी विवाद को लेकर ट्रेन रोकी। राबड़ी देवी के आवास के बाहर सुरक्षाकर्मियों की संख्या घटाई गई, तेजस्वी यादव ने भी सुरक्षाकर्मियों को वापस किया।